हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट को अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स का, मेमोरेंडम्स का बेसब्री से इंतजार था, तो फ्रेंड्स उनका वो वेट अब खत्म होने वाला है, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकि अपडेट में आप लोग यहाँ देखेंगे, पब्लिक सर्कुलर वाली इस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा, जो भी अपडेट आपको चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं पब्लिक सर्कुलर में यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ये जारी किए गए हैं ईवीजीसी की पोस्ट के लिए, मेमोरेंडम्स जारी किए गए हैं टीजीटी हिंदी फीमेल 33/21 पोस्ट कोड के लिए, 28 मेमोरेंडम ये जारी किए गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट के यहाँ पर चांसेस है, ये फाइनल रिमाइंडर यहाँ दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड किया गया है। और ये 3 डेफिशिएंसी मेमो भी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट के नाम बता दिए गए हैं, इनकी जो भी डेफिशिएंसी है तो इनको आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे रिलेटेड है तो डाउनलोड करके इनको चेक कर लीजिएगा, एंड जो भी आपकी डेफिशिएंसी है उसको आप डेफिनेटली दूर कर लीजिएगा, ताकि इजीली आप लोग यहाँ सिलेक्शन ले सके। और सबसे बड़ी जो अपडेट है, देखिए रीएलोकेशन है रिलीव्ड गेस्ट टीचर्स का, उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अपडेट आपसे रिलेटेड है तो इनको आप न्यू वाली सेक्शन से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा, आप खुद भी इन अपडेट को देख सकते हैं। और कोई भी अपडेट है डी प्लस बी की चाहे डीओई की, तो हमारे चैनल पर भी वो आपको साथ ही साथ अवेलेबल हो जाती है। और फ्रेंड्स, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा कभी कभार डिले हो जाता है, उसके लिए आप हमें प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक बार अपडेट को चेक कर लेते हैं, यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ अपडेट जारी की गई है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये, कल शाम को इसे जारी किया गया है यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा। 10 फरवरी 2023 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं पीजीटी ईवीजीसी मेल की पोस्ट के लिए, 35/20 ये पोस्ट कोड है आपका। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लियर की गई हैं। आपको यहाँ पर 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अपॉइंटमेंट आपकी पहले करा दी जा रही है, एंड अपॉइंटमेंट के बाद 2 मंथ के अंदर तक अगर आप मेडिकली यहाँ फिट पाए जाते हैं तो आप प्रोविजनली यहाँ सिलेक्टेड हो जाएंगे, और अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो यहाँ पर 1 मंथ का पीरियड और आपको एक्सटेंड करके दिया जाएगा, और इसके बाद अगर फिर भी आप अनफिट रहते हैं तो फिर आपका टर्मिनेशन यहाँ कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड आप देख सकते हैं एम्प्लॉय के नेम यहाँ इस कॉलम में आपके दिए गए हैं फ्रेंड्स, और पोस्ट आपकी ये बता दी गई है ईवीजीसी की, डेट ऑफ बर्थ आपकी दी गई है, कैटेगरी आपकी बता दी गई है, और पोस्टिंग कहाँ पर हुई है इस कॉलम में ये पोस्टिंग आपकी बता दी गई है। तो आप अपने एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल बता दी गई है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए आपको 12 मार्च 2023, ये लेटेस्ट डेट दी गई है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव पोस्टिंग प्लेस हैं ये आपके यहाँ पोस्टिंग प्लेस दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन पोस्टिंग प्लेस पर आपको रिपोर्ट करना है, एंड अगर आप रिपोर्ट करने में फेल रहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। और एक चीज और है फ्रेंड्स, अगर आपने ओबीसी दिल्ली के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने कोई और रिजर्वेशन लिया है, तो यहाँ पर अगर आप इन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर इनवैलिड रहते हैं, आपके कैंडिडेचर को इमीडिएट इफेक्ट के साथ यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे देख लीजिएगा। और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रीएलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर के रीएलोकेशन के ऑर्डर जारी किए गए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बता दिया गया है, ये कुलदीप सिंह, और एम्प्लॉय की आईडी बता दी गई है, पोस्ट आपकी लेक्चरर इकोनॉमिक्स, वर्किंग डेज आपके हैं, एलोकेटेड स्कूल आईडी आपकी ये बता दी गई है, और एलोकेटेड स्कूल नेम आपका ये बता दिया गया है टिकरी क्रूद SBV, ये आपका यहाँ एलोकेटेड स्कूल दिया गया है, और 7 वर्किंग डेज आपको दिए जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए, जो आपके एलोकेटेड स्कूल है, एलोकेटेड स्कूल आपका ये बता दिया गया है टिकरी क्रूद। तो यहाँ पर 7 वर्किंग डेज आपको दिए गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, और अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, फेल रहते हैं रिपोर्ट करने में, तो ये समझा जाएगा कि ये जो गेस्ट टीचर है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए आपकी आईडी को फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट एनी रेफरेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं, और बड़ी ही खुशी की खबर है आप सभी के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जिनके अभी यहाँ पर मेमोरेंडम्स रहते हैं टीजीटी हिंदी फीमेल के रिगार्डिंग, 33/21 ये पोस्ट कोड है आपका, फाइनल रिमाइंडर ये जारी किया गया, आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूएशन किया गया है डीओई के द्वारा, जो मेमोरेंडम्स आपके जारी किए जा रहे हैं
हैं, तो ये फाइनल रिमाइंडर आपको दिया जा रहा है। ये डेट आपकी यहाँ बता दी गई है, 2 जनवरी 2023 को दिया गया था पहले ये, उसके बाद आपका फिर 12 जनवरी 2023 को ये मेमोरेंडम का नोटिस दिया गया है। अब ये आपका 10 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कैंडिडेट के नेम यहाँ बता दिए गए हैं, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, आपकी पोस्ट, पे स्केल, ग्रेड पे, ये सब बता दिया गया है। और जो भी टर्म और कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है, ये आप इनको नीचे देख लीजिएगा स्क्रोल करके, बिल्कुल कॉलम वाइज आपको ये चेक करनी है, कोई भी कॉलम आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका बड़ा अहम रोल रहता है। तो 14 नंबर कॉलम में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग बता दिया गया फ्रेंड। 19 नंबर कॉलम में आपका यहाँ वेन्यू दे दिया गया है, किस जगह पर, किस दिन, किस समय पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए 20 फरवरी 2023 11:30 AM मॉर्निंग आपका ये यहाँ पर समय दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बता दिए गए हैं। 4 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, या फिर जो आपकी सारी डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपने ईडोजियर पर अपलोड किए हैं वो सब, और एनसीटी का सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायर्ड रहता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीटी का जो ऑफिस है द्वारका दिल्ली में, वहां से आप इसको बाय हैंड भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 अंडरटेकिंग्स होती हैं यहाँ पर, ये आपको सबमिट करनी होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और कोई भी अपडेट आपको चेक करनी है तो edudel.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इनको स्क्रॉल करके आप जरूर देखिएगा, 28 मेमोरेंडम है ये, इंडिविजुअल जारी किए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। और आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड रिमाइंडर दिया गया है, डेफिशिएंसी मेमो के रिगार्डिंग है, यहाँ पर ये डेफिशिएंसी पाई गई है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये भी। और ये कैंडिडेट है पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए, नेम आपका यहाँ बता दिया गया है, आपका रोल नंबर, आपकी पोस्ट, ये सारी चीज दी गई है, ये सब मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन बताया गया है कि आपने सबमिट नहीं किए हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से डायरेक्टेड किया गया है जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन या फिर क्लैरिफिकेशन उनको सबमिट करने के लिए। आपका ये जगह बता दी गई है रूम नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, और 15 डेज आपको ये समय दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए इस पोस्ट के लिए, जो आपका पोस्ट कोड बताया गया 69/20। और आइए नेक्स्ट नोटिस को अब हम देख लेते हैं। ये भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप कैंडिडेट का नेम देख सकते हैं, परमजीत कौर, एम्प्लॉय आईडी आपकी दे दी गई है, ये पोस्टिंग प्लेस बता दिया गया है, टीजीटी पंजाबी के रिगार्डिंग ये अपडेट जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी देख लीजिएगा अगर आपसे रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कोई भी अपडेट यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी वो सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और सबके बारे में आपको तकरीबन बता भी चुके हैं, तो आप इसे खुद भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई अपडेट यहाँ जारी की गई है तो डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही कोई और नई अपडेट जारी की जाएगी तो तुरंत हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और अपडेट हम आपको दे देते हैं, केवीएस विद्यालय की जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है उनके एग्जाम आपके स्टार्ट होने अभी शुरू हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।